असलम यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल नोट्स फॉर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब लोग मिलते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। गाइज, आज वीकेंड है तो मेरी हालत आप देख रही हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर लिया, अच्छी खासी भर भर के ऑयल लगाया मैंने, ताकि थोड़े से बाल भी अच्छे हो जाए। उसके बाद चेहरा तो आप मेरा देख ही रहे हैं, सो बैड, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा अपने फेस को भी थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं जी। डर्माकोस का क्लिनजर ये बहुत अच्छा है, और ये अलफते से इजीली आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, या आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और बहुत सस्ता सा ये है, चीप रेट में मिल जाता है आपको। इससे हम पहले क्लिनजिंग कर लेंगे अच्छे से अपने फेस को, और इसीलिए मैंने अपने फेस को वॉश भी नहीं किया, क्योंकि पता है क्लिनजिंग तो करनी ही है, तो क्या ज़रूरत है फेस को वॉश करने की। इसलिए अच्छे से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लें। हम जैसी औरतें आपको पता ही है, पूरा वीकेंड पे बल्कि पूरा मंथ अपनी कोई अच्छे से स्किन केयर नहीं करती। जब कोई पता है कोई फंक्शन आ रहा है, तब बस दगड़ वगड़ शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट भी है इसमें, लाइट सा ना कूल सा है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है आपको, बहुत मज़े का क्लिंजर है। इससे आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन में अच्छे से रब कर लें। सगावा फ्लेवर है, सिर्फ नेक पे भी अप्लाई करें, थोड़ा सा हाथों को बैठ कर लेते हैं। ये मैंने हाथों को थोड़ा सा बैठ कर लिया। अपने डायरेक्शन में आप क्लिंजिंग करें, इस क्लिंजिंग से आपके जो भी स्किन के अंदर डर्ट वगैरह है वो सारी रिमूव हो जाएगी अच्छे से। मैं आपको कलर बता चुकी, इसमें थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट है, बड़ा मज़ा आता है इसको क्लिंजिंग करते हुए। 5 से 10 मिनट तक आप इसकी अच्छे से क्लिंजिंग करें, आप ये देखिएगा फर्स्ट एप्लीकेशन से ही काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। आंखों पे भी लगा रहे, से 5 से 7 मिनट अच्छे से स्क्रब क्लिंजिंग कर चुकी हूँ। अब टाइम है इसे वॉश करने का, और मैं वॉश करके आपका रिजल्ट दिखाती हूँ। चलें मैं वॉश करके आती हूँ। यहाँ पे फेस क्लीन कर रही हूँ जी, मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक फेस नीट लग रहा है। चलिए अब जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी जनाब, तो अब हम करेंगे स्क्रबिंग। ये है बरीरा का स्किन केयर, बरीरा स्किन केयर है ये, इससे हम स्क्रब करेंगे अपने फेस को। इनफ होगा हमारे फेस के लिए। फेस पे पहले लगाने और फिर उसे अप्लाई करेंगे, स्क्रब करेंगे। बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सा स्क्रबर है, बहुत मज़े का। हल्के हाथों से आपने अपने फेस को स्क्रब करना है। आपको पता है स्क्रब में छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसे हल्के हाथों से हमें स्क्रब करना होता है, ताकि हमारी स्किन जो है छिल ना जाए, डैमेज ना हो जाए। 5 से 7 मिनट हम इसे स्क्रब करेंगे। साफ पता चल रहा है वाकई, बहुत ही अच्छा स्क्रब भी है ये, और क्लींजर भी बहुत मजे का। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसमें ही मैं यूज़ करूँगी एक अर्जेंट फेशियल, मेरे पास ये घर पर ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको यूज़ करके देखते हैं। गोल्डन फाइबर वालों का अर्जेंट फेशियल है, काफ़ी सुना था कि अच्छा है, तो पड़ा हुआ है तो चलो यूज़ कर लेते हैं।
इसका रिजल्ट देखते हैं। सीजर से कट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखते हैं, अब मैं इसमें डाल दूँ इसे। आई थिंक ये स्क्रबर भी है इसमें ना, आई होप कि आप लोगों को दिख जाए। इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी हैं, यूज़ करते हैं छोटे से पार्टिकल है इसके अंदर, जैसे स्क्रब के अंदर होते हैं। जी तो मैंने ये अपने पूरे फेस पे लगा लिया है, नेक पे भी, हाफ नेक पे भी लगा लिया। अब इसका जरा तरीके पर पढ़ते हैं। गोल्डन कलर फ्रूटी व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल को चेहरे और गर्दन पे लगाए और गीले हाथों से 3 मिनट के लिए मसाज करें। देखा मैं कह रही थी कि ये मसाजर लग रहा है मुझे थोड़ा सा। चलिए अब इसको 3 मिनट के लिए हम अपना गीले हाथ से मसाज करके मेरे अपना हैंड पैक कर देते हैं। हाथ में गीले कर लिए उसको मसाज कर लेते हैं। वैसे मसाजिंग के लिहाज से तो मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया, मैं तो ब्लीच समझ रही थी। स्क्रबी है ये भी, इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। चलिए मैं 2 से 3 मिनट तक इसको जो है ना अच्छे से क्लीन करती हूँ फिर आपको। जी तो मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से स्क्रब कर लिया है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि आप 3 से 4 मिनट तक स्क्रब करने के बाद जो है ना इसको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दें सूखने के लिए, फिर इसको दोबारा से थोड़ा सा क्लिनजिंग करके फिर वॉश कीजिएगा। तो मैं अब यहाँ पर इसको ना 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, देन ये थोड़ा सा सूखता है फिर इसको गीले हाथ से स्क्रब करते हैं। तो 3 से यहाँ 4 मिनट हो गए, 4 से 5 मिनट सूख गया है। अब इसे दोबारा से मैंने अपने हाथ गीले किया और फिर इसको 2-3 मिनट तक ना स्क्रब कर लेते हैं। जी तो ये मैंने अच्छे से 4 मिनट तक स्क्रब कर लिया है। अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। जी तो मैं यहाँ फेस वॉश कर रही हूँ, ये देखिए सर काफ़ी अच्छा लगा, अमेजिंग। तो और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी जना तो अब हम लोगों ने अच्छे से अपने फेस को जो है ना वाइप कर लिया है, अच्छे से अपने फेस को सुखा लिया, कोई भी जरा सा गीला ना हो। अब मैं ये अप्लाई करने लगी हूँ ब्लैक मास्क, जिसे चारकोल मास्क भी बोला जाता है। इससे जो है ना आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो भी इजीली रिमूव हो जाते हैं। और ये है जी डीप क्लिनजिंग पील ऑफ मास्क, इससे आपकी जो फेस भी है ना वो भी क्लीन अप होगी और साथ साथ आपके जो वाइट हेड्स हैं ब्लैक हेड्स हैं वो भी ईजिली रिमूव हो जाएंगे। जैसे आपने बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी, बहुत मोटी लेयर लगाएंगे तो वो जो है ना एक तो सूखेगा नहीं और ऊपर से उतरने में बहुत मुश्किल होगी। जितनी मोटी लेयर लगाएंगे उतना आपको पेन होगा उतरने में। इसकी बारीक बारीक सी लेयर लगाएं ताकि पील ऑफ करने में आसानी रहे। हमें इसे फिंगर की हेल्प से ही लगाया जा सकता है, अगर आप ब्रश की हेल्प से लगाने चाहेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिंगर से ये है कि ईजीली ना पतली पतली लेयर लग जाती है। यार निकल ही नहीं रहा, हालांकि अच्छा खासा है। जी तो ये मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। अब आई थिंक मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे सूखने में, फिर मैं आपके सामने इसको पीक अप कराऊंगी। क्योंकि ये अच्छे से सूख गया है, ये देखिए मेरे हाथों पे नहीं लग रहा, इसका मतलब ये अच्छे से सूख गया। अब इसे उतारते हैं। राम से इसे पील ऑफ कर
से आपके जितने भी वाइट हेड्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, देखें छोटे हिस्से दो तीन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप गौर कर सकें तो। पीछे की आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे मोबाइल से लगे हुए हैं, बच्चों को मोबाइल देकर ही माएँ कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये देखें, ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन इससे ईजीली आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड्स और जो छोटे छोटे हेयर होते हैं आपके, वो भी रिमूव होते हैं। यहाँ पे मेरी इस जगह पे वाइट हेड्स है, अब देखते हैं वो रिमूव हुए हैं या नहीं। जी तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, ये देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे भी काफ़ी बेटर फील हो रहा है, क्योंकि मेरी स्किन की इतनी कर कोई बुरी हालत हुई थी ना, लिटरली बहुत ही बुरी हालत हुई थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार ज़रूर अपनी स्किन का, ये हमारे हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी स्किन की केयर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों की स्किन भी उन्हीं की तरह हो सकती है जिनकी बिल्कुल ग्लास स्किन होती है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो डीपली क्लीन करते हैं अपने फेस को और मंथली भी वीकली भी वो लोग अपने फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं और हम थोड़ा सुस्त हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा फेस इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग भी, मैंने अपनी रूटीन बनाई है अब कि मैं वीक में 2 times तो ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करूँ, तो इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो भी आपके साथ लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।